सवालों गाइस, स्वागत करता हूं आपको और एक वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच हो रहा था, जहां पर फाइनली गुजरात टाइटंस का जो अनडिफिटेड स्ट्रिक था वो ख़त्म हो चुका है और एक तगड़े तरीके से इसको ख़त्म किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो अगर इस मैच के बारे में बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हैं गुजरात टाइटंस ने 162 रन स्कोरबोर्ड पर लगाया और उनका 7 विकेट गिरे। तो इस मैच में उनका टॉप ऑर्डर कुछ खासा कर नहीं पाए, हालांकि हार्दिक पांड्या एक अच्छी नॉक खेले, 50 रन की पारी उन्होंने खेली 42 बॉलों में। हालांकि मैं खासा इम्प्रेस हूँ अभिनव मनोहर से, जिन्होंने 35 रन लगाए 21 बॉल में। और जब SRH चेस करने आया तो उनका ओपनर्स जो अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने पिछले मैच भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इस मैच भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, क्योंकि केन विलियम की तरफ से इस बार 57 रन की पारी देखने को मिली। हालांकि तो वो थोड़ी स्लो थी और अंत में आते आते उन्होंने थोड़ी सी एक्सेलरेट किया और 46 पर 57 रन की पारी लगाई। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने इस मैच में भी अपनी तगड़ी फॉर्म जारी रखी और उन्होंने भी 42 रन की पारी के लिए 32 बॉल। तो ज़रा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उन्होंने 8 विकेट रहते हुए इस टारगेट को चेस कर लिया। तो यही थी मैच की अपडेट। तो आज भी एक बड़ी मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां पर धोनी वर्सेस विराट कोहली देखने को मिलेंगे। तो इस मैच की भी अपडेट लेके आपके साथ जुड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।